हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरटीएस मस्ती यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं रितेश आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज है 16 अगस्त 2021 और 16 अगस्त 2021 से जितने भी करेंट अफेयर्स बने हैं उन सभी का डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में और साथ में उनका फैक्ट करेंगे और लास्ट में क्यूँ रिविजिट करेंगे और दिल्ली की तरह 10 स्टैचू जीके करेंगे। दोस्तों, आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लें ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करो तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए दोस्तों, आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है, 15 अगस्त 2021 को भारत के साथ कितने देशों ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया। तो ये 15 अगस्त 2021 को ये 5 देशों ने भारत के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 5। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश भारत अंग्रेजों से पूरी तरह से आज़ाद हुआ था और भारत ने 15 अगस्त 2021 को अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। अब भारत के अलावा 5 और देशों है जो अपना स्वतंत्रता दिवस मनाए, जो इस प्रकार है, जो रिपब्लिक ऑफ कांगो, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, बहरीन और लीकटेस्टीन है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर कहाँ खोला गया है। तो ये भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक एंड लैब रिसर्च सेंटर यह त्रिवेंद्रपुरम में खोला गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 3। केरल पुलिस ने इस ड्रोन फॉरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर को खोला है। केरल पुलिस ने केरल की राजधानी त्रिवेंद्रपुरम में देश का पहला ड्रोन फॉरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर शुरू किया है। ऐसे समय में जब देश में ड्रोन एक बड़े सुरक्षा खतरे के रूप में उभर रहा है, केरल पुलिस ने इस संबंध में बढ़ती चिंताओं को दूर करने के लिए त्रिवेंद्रपुरम में ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला एवं अनुसंधान केंद्र शुरू किया है। यह अपनी तरह का पहला संस्थान है। आप देख लेते हैं भारत का पहला करेंट अफेयर्स जो कि इम्पोर्टेंट है। भारत के पहले हार्ट फ्लेयर बायोटेक का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है। तो यह केरल में हुआ है। शहरी क्षेत्र में वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाले देश का पहला राज्य कौन बना है। तो यह छत्तीसगढ़ बना है। भारत का पहला वाटर पल्स शहर कौन सा बना है। तो यह इंदौर मध्य प्रदेश बना है। कौन सा शहर उच्च गुणवत्तापूर्ण पेयजल यानी ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर बना है। तो यह पुरी बना है। 1 करोड़ फास्टैग जारी करने वाला देश का पहला बैंक कौन सा बन गया है। तो यह पेटीएम पेमेंट बैंक बन गया है। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सोन चिराया ब्रांड और लोगों को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है। तो ये आवास और शहरी मामले मंत्रालय ने लॉन्च किया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय MOHUA ने सोन चिराया नामक एक ब्रांड और लोगो लॉन्च किया है। इसे शहरी स्वयं सहायता समूह के उत्पाद के लिए लॉन्च किया गया है। यह ब्रांड और लोगो महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और समाजजनक जीवन जीने में मदद करने के सरकार के प्राथमिकता वाले क्षेत्र के अनुरूप लॉन्च किया गया है। MOHUA ने शहरी गरीब महिलाओं को पर्याप्त कौशल और अवसरों से लैस करने के लिए इस पहल की शुरुआत की है। आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी है। अगला क्वेश्चन है, एक्सेलरेटिंग इंडिया 7th ईयर ऑफ मोदी गवर्नमेंट नामक पुस्तक किसने लॉन्च हुई है। तो यह पुस्तक लॉन्च हुई है तो यह अखिलेश मिश्रा ने लॉन्च किया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अखिलेश मिश्रा। इस पुस्तक का विमोचन उपराष्ट्रपति M.V.N. ने किया है। अब देख लेते हैं टॉप 5 बुक एंड ऑथर के बारे में जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं, हाउ इंडिया वोट्स एंड व्हाट इट्स मीन्स नामक पुस्तक ये प्रदीप गुप्ता ने लिखा। अनदर डोजन स्टोरीज नामक पुस्तक सत्यजीत रे ने लिखा। द बेंच पुस्तक ये मेघन मार्कल ने लिखा। बंगाल 2021 एंड इलेक्शन डायरी पुस्तक यह दीपक हालडर ने लिखा। एलिफेंट इन द बोम पुस्तक ये कली कोचलिन ने लिखा। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है। तो पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश यह आयशा मलिक बनी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आयशा मलिक। अब ये पाकिस्तान के बनी है तो पाकिस्तान के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। पाकिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। पाकिस्तान की करेंसी पाकिस्तानी रुपया है। पाकिस्तान की स्थापना हुई थी तो ये 14 अगस्त 1947 को हुआ था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री है इमरान खान।
पाकिस्तान के राष्ट्रपति है आरिफ अलवी। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेडक्लिफ रेखा है। पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी सिंधु नदी है। पाकिस्तान भारत के 3 राज्यों की सीमा से लगता है, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। भारत का क्षेत्र पाकिस्तान से कितना गुना है? तो 4 गुना है। पाकिस्तान की संसद का नाम है तो नेशनल असेंबली है। पाकिस्तान का मानक समय ग्रीनविच से कितना आगे है? तो 5 घंटे आगे है। गुरु नानक देव जी यानी पहले सिख गुरु का जन्म कहाँ हुआ था? तो यह ननकाना साहिब पाकिस्तान में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, चीन ने किस वर्ष तक कार्बन न्यूट्रल होने का लक्ष्य रखा है? तो ये चीन ने 2060 तक ये कार्बन न्यूट्रल होने का लक्ष्य रखे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2060। कार्बन डाइऑक्साइड के सबसे बड़े उत्सर्जक चीन ने 2060 तक कार्बन न्यूट्रल कार्बन तटस्थ बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है। कार्बन न्यूट्रल का अर्थ है जितना हो सके कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन में कटौती करना और जिसे समाप्त नहीं किया जा सकता है और उसे ऑफसेट करना। किसी देश के लिए इसका मतलब कोयले की बजाय सौर ऊर्जा जैसी नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बदलाव करना तथा कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने वाली परियोजनाओं जैसे पुनरोपण में निवेश करना शामिल है। तो ये चीन ने किया है। तो चीन के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन की करेंसी रेनमिनबी यानी युआन है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन का नाम है मैकमोहन रेखा। चीन की सबसे लंबी नदी यांग्त्से यानी 6300 किलोमीटर है और ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। कागजी मुद्रा जारी करने वाला विश्व का पहला देश चीन है। किस देश की सीमा सबसे ज़्यादा देशों के साथ लगती है? तो ये चीन की सीमा सबसे ज़्यादा देशों के साथ लगती है, 14 देशों के साथ। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस दिन को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो ये विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा की है तो यह 14 अगस्त को की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 14 अगस्त। राष्ट्र के विभाजन के कारण अपनी जान गंवाने वाले और अपनी जड़ों से विस्थापित होने वाले सभी लोगों को उचित श्रद्धांजलि के रूप में सरकार ने हर साल 14 अगस्त को उनके बलिदान को याद करने के दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। इस तरह के दिवस की घोषणा से देशवासियों की वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों को विभाजन के दौरान लोगों द्वारा झेले गए दर्द और पीड़ा की याद आएगी। अगला क्वेश्चन है, IBSF पर्यटन मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस देश ने किया है? तो IBS पर्यटन मंत्रियों की बैठक का आयोजन यह अपना देश भारत ने किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। IBSA का फुल फॉर्म इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका। भारत ने वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से IBSA पर्यटन मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया है। भारत के केंद्रीय पर्यटन मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने बैठक की अध्यक्षता की है। इस बैठक ने सदस्य राज्यों के बीच पर्यटन सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक मंच प्रदान किया गया और पर्यटन क्षेत्र पर COVID-19 महामारी के प्रभाव को दूर करने के लिए पर्यटन में सहयोग को मजबूत करने के महत्व को मान्यता दी। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का सफल परीक्षण किया है? तो यह सतह से सतह मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का यह सफल परीक्षण यह पाकिस्तान ने किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान। पाकिस्तान सेना ने परमाणु सक्षम सतह पर प्रहार करने वाली परमाणु क्षमता संपन्न बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का सफल परीक्षण किया है। यह मिसाइल 290 किलोमीटर तक के लक्ष्य पर हमला कर सकती है और परमाणु और पारंपरिक दोनों प्रकार के हथियारों ले जाने में सक्षम है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 में अरबपतियों की संख्या घटकर कितनी रह गई है? तो यह 2020-21 में अरबपतियों की संख्या घटकर यह 136 रह गई है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 136। केंद्र सरकार द्वारा दी गई आंकड़ों के मुताबिक कोरोना काल में देश में अरबपतियों की संख्या में कमी आई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार आयकर रिटर्न में घोषित आय के आधार पर भारत में अरबपतियों की संख्या 2019-20 में 141 से घटकर 2020-21 में 136 हो गई है। तो दोस्तों आज का करेंट अफेयर्स हो गया, अब इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं एक मिनट में।
15 अगस्त 2021 को भारत के साथ कितने देश ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो ये 5 देशों ने मनाया है। भारत का पहला ड्रोन फ्रेसिंग लैब एंड रिसर्च सेंटर कहाँ खोला गया है? तो ये तिरुवनंतपुरम में खोला गया है। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सोनचिरैया ब्रांड और लोगो को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो ये आवास और शहरी मामले मंत्रालय ने लॉन्च किया है। एक्सेलरेटिंग इंडिया 7th ईयर ऑफ मोदी गवर्नेंस नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। तो यह पुस्तक किसने लिखी है? तो यह अखिलेश मिश्रा ने लिखी है। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? तो यह पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश यह आयशा मलिक बनी है। चीन ने किस वर्ष तक कार्बन न्यूट्रल होने का लक्ष्य रखा है? तो 2060 तक यह कार्बन न्यूट्रल होने का लक्ष्य रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस दिन को विभाजन विभिषिका स्मृति दिवस मनाने के रूप में घोषणा की है? तो यह 14 अगस्त को मनाने के रूप में घोषणा की है। IBSA पर्यटन मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस देश ने किया है? तो यह भारत ने किया है। किस देश ने सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का सफल प्रशिक्षण किया है? तो यह पाकिस्तान किया है। केंद्र सरकार द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 में अरबपतियों की संख्या घटकर कितनी रह गई है? तो यह रह गई है 136 रह गई है। तो दोस्तों आज करेंट अफेयर्स हो गया, और डेली की तरह स्टैटिक जीके देख लेते हैं। 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? तो यह 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10^-7 सेंटीमीटर या 10^-9 मीटर। भीम बेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह भीम बेटका या गुफाओं के शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है। भीम बेटका की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो ये भीम बेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत भवन कहाँ स्थित है? तो ये भारत भवन यह भोपाल में स्थित है। भारत भवन के वास्तुकार कौन थे? तो ये भारत भवन के वास्तुकार या चार्ल्स कोरिया थे। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है? तो ये भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है रिक्टर पैमाने पर। सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? तो ये भूकंप रिकॉर्ड करता है। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह का मकबरा यह सासाराम बिहार में स्थित है। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु का नाम क्या था? तो यह गुरु रामदास था। तो दोस्तों आज का करेंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके यहीं पे ख़त्म होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।